रायबरेली में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। यहां सदर तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़ित ने दबंग भूमाफियाओं करोड़ रुपए की कीमती जमीन पर जबरन कब्जा कर पत्थर लगवाने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। कार्यवाही किए जाने की मांग भी की है। पीड़ित छोटेलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कल सोनकर निवासी ग्राम दरीबा ने मीडिया को बताया कि सदर तहसील के कानून को तहसीलदार लेखपाल की मिलीभगत से चक्रपाड़ी चौधरी, छोटे शुक्ला हरि प्रधान, पूर्व नयन गुड्डू ज्ञानू मिलन लक्ष्मी निवासी ग्राम उपरोक्त द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और उस पर जबरन पत्थर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तहसील के अधिकारियों का सदर तहसील के अधिकारियों का कोतवाली में मामले का शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। मारपीट करने पर भी विपक्षी आमदा हैं, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। शुक्रवार को भी दबंगों द्वारा जबरन फर्जी तरीके से पुलिस बल के साथ पहुंचकर पत्थर गाढ़ कर कब्जा किया जा रहा है। कहां से आई हो? क्या समस्या है? समस्या यह है कि कई साल से ये लोग जबरदस्ती सारंगी से हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके और मारत भी हैं। कौन लोग हैं? दरीबे के कुर्मी हैं, चक्रपाल हैं, नैन हैं, हरि प्रधान हैं और उनके भाई हैं और आज खंभा गाड़ ली हैं। हम लोग बोले तो कहीं कितन का काट डल गए। कहीं शिकायत किया? नहीं, कोई नहीं शिकायत किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।